Hey guys, welcome to day 2 and these are the scenes around a morning in the hills after so long. And the itinerary for today is definitely go to Sach Pass and try and reach Keelong if possible. If the body does not allow us, I'm talking about me because I rode the bike yesterday. Jason and Shalini were in the car, so they would be less tired. So we'll take a call according to how I feel once we reach Killer. I don't want to have two long ride days back to back. Ideally, a short ride day after a 700-800 kilometer ride is preferable. So 2 days lagar lagatar you do those long rides, it takes a toll on your body, and that's what I don't want to do because we have 7-8 days to travel this time around and I do not want to spoil the whole trip by falling ill. Meri aankhon mein thakan to dikhi rahi hogi, right? Abhi it's like 7 a.m. I've got a good 7 hours sleep in the night, but still you can see some puffiness in my eyes. Aur ye ho hi jata hai long ride karne ke baad, especially jab bahut zyada time baat kari ho. Lao bhaiya hamari chai. ये देखो 716.8 किलोमीटर्स फॉर द डे. इसको रीसेट करेंगे, दैट्स द ट्रिप मीटर. बाइक की हालत इज गुड, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज यस्टरडे इट वाज मोर ऑफ अ डस्टी राइड. लेट्स बिगिन डे 2 एंड हेड आउट टू सच पास टुडे. हर्ड अ लॉट अबाउट इट एंड आई थिंक टुडे इज अ डे दैट आई गेट टू एक्सपीरियंस इट. लेट्स गेट स्टार्टेड मैन. चलो. Mode I have changed to the rider mode. ABS is off, traction control is off. क्योंकि इतना ज़्यादा gravel है इस road पे कि ABS will be very intrusive and it will increase my stopping distance considerably. तो ये आखिरी petrol pump है. इसके बाद कहाँ पड़ेगा Sach Pass cross करके? किलार में मिलेगा. किलार में मिलेगा. तो मतलब यहीं full करा के चलो जब भी इस side आओ. देख रहे हो ये मिट्टी, हिमाचल की मिट्टी लगी है. सो कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आप लोगों को, अगर आप राइड करते हुए थक रहे हो तो अपने आप को पुश ना करो, स्लो चलाओ, आराम से चलाओ और सेफ चलाओ. कल वही हालत हो रही थी शाम को जब मैं अकेला चला रहा था इन पहाड़ों में और थक गया था. सो स्पीड को ख़त्म कर दो उस समय, स्लो और सेफ चलाओ. दैट इज़ वन थिंग. अगर एनर्जी ख़त्म हो रही हो तो ब्रेक लो, खाओ पियो. अल्टीमेटली यार इट्स अ राइड दैट यू हैव कम टू एंजॉय. क्योंकि सेकेंड डे अगर आप रात को ठीक से सोए हो फर्स्ट डे के बाद, तो सेकेंड डे ऐसी शुरुआत जब आप पहले से ही पहाड़ों में हो उसको एंजॉय करो यार, उस वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइजिंग है. इस समय आई फील फुल ऑफ एनर्जी. There is a tiger and there is a spring. इसमें से निकालें क्या बाइक? मुझे पता है भाई तेरी लाइफ मस्त है, तूने अपनी गाड़ी के विषय जो मस्त लिखाया हुआ है, बट ये पीछे जो तू धुआं छोड़ रहा है बाकी सबकी लाइफ क्यों झंड कर रहा है यार? कितना पोल्यूशन यार, हद होती है, वो भी इतनी प्योर जगह पे. राइट नाउ आई मे बी आई एम लाइक 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बैरागर. यहाँ आने का हमारा कल प्लान था, अगर हम अपनी इनिशियल आइटनरी से चलते और फर्स्ट डे डायरेक्ट नोएडा से बैरागर आने का ट्राई करते ना, लग जाने थी क्योंकि रोड आफ्टर टिस्सा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. और अभी तो बैरागर के बाद ये जो रोड दिख रही है ना आपको थोड़ी बहुत भी, ये भी ख़त्म होने वाली है. सो अच्छा हुआ कल टिस्सा में रुके, और अभी फ्रेश स्टार्ट के साथ हिल्स वाली राइड को प्रॉपर इन्जॉय कर रहा हूँ मैं. आज तो बाइक एकदम तेज़ चल रही है, मज़ेदार. फ्रेशन अप होके माउंटेन्स में बाइक चलाने का जो असली मज़ा होता है ना वो लिया जा रहा है आज पूरा. ये आ गया है बैरागढ़, लास्ट मेन टाउन है बिफोर सच पास. इसके बाद ही सच का सामना करेंगे हम. These roads seem broad enough to have some fun while riding your motorcycle, right? Maybe
just good enough to ride your car, but riding a motorcycle is for sure fun on these trails. Oi, oi, oi! Yo, yo, yo! Yo! Oh, there you are! यार बाइक चलाने का मौका मिलेगा इस जगह पे, इतनी ज़्यादा ऑसम सीनरी है यहाँ पे कि दो दो मिनट में रुकना पड़ रहा है एक नई नई फोटो लेने के लिए फिर से। कितनी फोटो खींचता है यार तू, कितनी फोटो खींचेगा इस पूरे ट्रिप में, तो कितनी फोटो खींचेगा भाई? 10 फोटो खींचोगे तो एक आएगी अच्छी वाली। क्या ब्लॉक है आगे, गाड़ी नहीं निकल पाएगी? तो ये रोड है जहां से गाड़ी निकलनी चाहिए और हालत हो गई है खराब यहां तो। यार यहां तो कैसे निकलेगी गाड़ी? ये ठीक होने में भैया कितना टाइम लगता? अरे बाइक तो थोड़ा टाइम लगेगा, गाड़ी गाड़ी के लिए भी टाइम लगेगा। कितना? अभी 2 घंटे। 2 घंटे? I think the road is ready now. Half of the section of that road had fallen off. So pretty fast work. आप निकाल लो, निकाल। अच्छा। इस साइड काटो आप टायर। अरे आगे पत्थर है ना यार इतना मोटा। एक सेकंड। साइड करना टायर। चलो। चलो। ओ, ये देखो कितनी सारी। वाओ मैन, ब्यूटीफुल, क्या वाटरफॉल है। ऐसी तो लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे। एक और है सामने देखो। ओ मैन, आगे वाली वाटरफॉल देखो लाइन से। एक ये रही और एक और दिखाता हूँ आप लोगों को, सामने वाली। हो ब्यूटीफुल यार, रुकते हैं बाइक। सच पास 15 किलोमीटर्स। देर इज अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स, दिस इज द फर्स्ट वन, दैट्स द सेकेंड वन, दैट्स द थर्ड वन। सुपर प्योर, फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चल रही है यहाँ पे बाइक। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल मेंटेनिंग इनफ स्पीड सो दैट आई कैन मूव अप दिस ग्रेडियंट, बट एट द सेम टाइम इंश्योरिंग दैट इट्स नॉट टू फास्ट दैट द टायर गेट्स रप्चर्ड और पंचर्ड। ओह बैड रोड्स, बैड रोड्स।
बैड रोड्स। एज दे से, आज करना है सच का सामना, वो है सच पास। और धीरे धीरे चल रहे हैं सच पास की तरफ बढ़ते हुए। कीप ऑन गोइंग बेबी, कीप ऑन गोइंग। द रोड कंडीशन इज डिग्रेडिंग विद ईच एंड एवरी टर्न। और ये देखो ये कैसे, ये जो है ना, ये व्हाट द हेल। हैरियर की भी पूरी टेस्टिंग होने वाली है आज। आई जस्ट वेंट ऑन द राइट साइड फॉर अ वी बेट एंड आई कुड सी द हाइट। डैम, उधर ना देख। नाउ वी आर एट दैट सेक्शन ऑफ द पास वेयर यू डोंट सी एनी माउंटेन्स अबव यू, ऑल यू सी इज द स्काई इन फ्रंट ऑफ यू। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? जस्ट द स्काई। द रोड इज सो हाई दैट एवरीथिंग दैट यू कैन सी इज बिलो यू। इमेजिन करो यार, यहाँ पे बारिश में चलानी पड़े बाइक, विल बी अ डिजास्टर। एब्सोल्यूट साइलेंस, हवा तक की आवाज नहीं आ रही इस जगह पे यार। ऐसी जगह पे 2 मिनट रुकना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। ऐसी जगह मिलती कहाँ? अमेजिंग। हाई अल्टीट्यूड पास पे यू आर स्टॉप्ड एट अ हेयर पिन बेंड एंड जस्ट सोकिंग इन द सीनरी, सोकिंग इन द साइलेंस, सोकिंग इन द कामनेस। And definitely this is pretty high altitude because I am beginning to feel a little bit of dizziness, little bit, not much. देखो कितना ज़्यादा शोर मच गया बाइक की आवाज़ से। अब amidst the clouds it's getting beautiful as we are ascending and getting nearer to the pass, and in the clouds certainly feeling a little colder, just wearing a fleece right now. Flow karte hue badal aa rahe hain aur definitely altitude is enjoyable. Almost at the top, or is it such pass, I'm not sure, but dekho थोड़ी थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग्स आ रही हैं। ओ वाह, ओ मैन, ओ हो ड्यूड, या आ, अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। क्लाउड्स देखो कैसे जा रहे हैं सामने, एकदम फ्लो करते हुए, बढ़िया। नीचे बर्फ है, दिखाता हूँ आप लोगों को, वो देखो इस पूरी साइड पे बर्फ है। हैरियर कहाँ है, जेसन कहाँ है, नॉट श्योर, नो सिग्नल, आई वेट, लेट्स सी। फीलिंग अ लिटिल थर्स्टी, बॉटल है नहीं पानी की मेरे पास। KTM वाला भाई आ गया हमारा, वो हैरियर देखी क्या? आ रहे हैं ना, मुझे लगा पता नहीं कहाँ है यार। तुम लोगों से ना यार, तुम आया मत करो लंबे ट्रिप पे, हर 2 मिनट में तुम्हें ब्रेक चाहिए यार, हर 2 मिनट में तुम लोगों को ब्रेक चाहिए होता है यार। और ये पोज मार रहे हो गाड़ी चला के। सो दैट इज सच पास, ये कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर झरना, यू आर हेयर अगेन। ओए ओए ओए, ब्यूटिफुल, डायरेक्टली ऑन द रोड एंड वी आर गोइंग थ्रू इट राइट नाउ। Can you hear it? Wow.